नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरा चैनल है डी आई टेक नॉलेज, जहाँ मैं टेक के वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे डी आई टेक नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे डी आई टेक नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डी आई टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर वर्ड 2016 यूज कर रहा हूँ और कोई एक्स्ट्रा आपको ब्लैंक पेज है तो उसको रिमूव कैसे मारते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए। जैसे कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर टोटल यहाँ पर देख सकते कि दो आपको टू पेज आ रहा है, वन और टू। बट वन पेज के बाद सेकेंड पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करेंगे? इसका सिंपल सा तरीका है, होम के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, ये जो है ना, इसको यहाँ से बैक स्पेस से इसको आपको डिलीट मारना है, ठीक है। बैक स्पेस से उसको डिलीट मारना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कीबोर्ड का बैक स्पेस दबाइएगा, आपको बंद पेज आ गया। और फिर इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, वन पेज है, इसको यहाँ से बंद कीजिए और सेव कर दीजिए। दोबारा खोलते हैं, देखिए एक पेज आएगा। इस तरह से अगर आपके वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पेज हो या ब्लैंक पेज हो तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको लगे कि कुछ नहीं है तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और बैक स्पेसेस को आप रिमूव मार सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कुछ पूछना हो तो आप मैं कमेंट पे पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे डी आर टू जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।